सुपौल में गुरुवार को भाजपा युवा मोर्चा द्वारा निकाला गया धिक्कार मार्च। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सुपौल के गांधी मैदान से बाजार भ्रमण करते हुए समाहरणालय गेट तक पैदल मार्च किया। इस मार्च में पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री छातापुर विधायक नीरज कुमार सिंह बबलू सहित बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता शामिल हुए। मार्च के बाद कार्यकर्ताओं ने सुपौल डीएम को ज्ञापन भी सौंपा। वहीं इस दौरान भाजपा नेताओं ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि पूरे बिहार में अपराध और अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। सरकार लाठी अपराधियों के बजाय बीजेपी के नेताओं पर चला रही है। सरकार का जो इकबाल था वो पूरी तरह खत्म हो चुका है। कानून का राज नहीं है और जब से जदयू राजद मिले हैं तब से अपराध का ग्राफ और बढ़ गया है। इसको लेकर धिक्कार यात्रा निकाला गया है और उन्होंने कहा कि इस तरह अन्याय बंद करे, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी चैन से बैठने वाली नहीं है। वहीं पूर्व मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने कहा कि पूरे राज्य में अपराध और अपराधी बेलगाम हैं और बेवजह भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया जाता है। और उन्होंने यह भी कहा कि 10 लाख रोजगार के वादे सरकार भूल चुकी है। प्रदेश में युवा मोर्चा के द्वारा धिक्कार मार्च निकाला गया है। जो राज्य की स्थिति है, अपराध का ग्राफ चरम पे है, कहीं कोई सरकार का नियंत्रण नहीं है, सुशासन नाम का कोई चीज नहीं रह गया है। सरकार सिर्फ वादाएं करती है, 10 लाख का वादा कहां गया इसको लेकर के, नौजवानों को नौकरी मिले इसको लेकर के, और जो निहत्थे कार्यकर्ताओं पर लाठी चलाया गया, गोली चलाया गया, हत्या की गई है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज सुपौल के सड़कों पर धिक्कार मार्च निकाला गया है और इसी को लेकर के यहाँ पर हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं। थी जिसके अंदर नीरज बबलू जी और युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष और बीजेपी के जिला अध्यक्ष सारे वरिष्ठ नेताओं के साथ हम लोगों ने एक ज्ञापन जो है वो डीएम साहब को दिया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यक्रम है। पूरे बिहार के अंदर जो माहौल है वो अब अपराध और अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है। सरकार लाठी अपराधियों पर चलाने की जगह बीजेपी के नेताओं पर चला रही है। सरकार का जो इकबाल था वो ख़त्म हो गया है। ये सरकार पूरी तरह दूसरे विषय पर ध्यान दे रही है, कानून का राज नहीं है, और जब से राजद जुड़ा है तो अपराध का ग्राफ और बढ़ गया है। इसको लेकर ये धिक्कार यात्रा थी। हम लोग यहाँ पर आए हैं और इस सरकार को चेताते हैं कि वो इस तरह अन्याय करना बंद करे, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी चैन से बैठने वाली नहीं है।